नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आयोजन पर रोक लगाई है। बता दें कि लोग घरों में ही रहकर अब इस पूरे पर्व को मनाएं, ऐसा डीसी का कहना है। साथ ही डीसी ने कहा है कि कोरोना के चलते सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना काल में जितने भी त्योहार आए हैं, सभी त्योहारों पर खासतौर पर लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। और एक बार फिर से छठ पूजा के पर्व को लेकर भी डीसी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आयोजन पर रोक लगाई है, साथ ही लोगों से घरों में ही रहकर पर्व को मनाने की अपील की है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और चूंकि रफ्तार एक बार फिर से तेज होती हुई संक्रमण की नजर आ रही है, एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया है, जहां पर कोरोना के आंकड़े एक बड़ी वजह है इसको लेकर, क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं इस कोरोना महामारी के चलते त्योहारों पर रोक का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्वांचल समाज के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा को लेकर पंचकुला जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत प्रशासन ने छठ पूजा के लिए किए जाने वाले आयोजन पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों से छठ का पर्व घर में मनाने की भी अपील की है। जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जिले में किसी भी बड़े आयोजन पर रोक लगेगी। जिला उपायुक्त ने साथ ही ये भी कहा कि लोग घरों में ही रहकर छठ के पर्व को मनाएं, भीड़भाड़ इकट्ठा न करें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतें। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 21 में छठ पर्व के लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर इस बार प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। पूजा घाट है सेक्टर 21 पंचकुला में, यहाँ पे एक पर्व मनाने की अनुमति दी जाए। चूँकि अब कोविड-19 के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत जो लार्ज जो कॉन्ग्रीगेशंस है, ज़्यादा बड़ी सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी संदर्भ में मैंने इन समिति के सभी सदस्यों को, ऑफिस बीरर्स को 13 तारीख को मीटिंग पर बुलाया था। तो उन सभी लोगों से विचार करने के बाद यही एक निष्कर्ष निकला कि अब की बार लोगों से अपील की जाए कि जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उसको अपने श्रद्धा भाव से अपने स्थानों पर ही मनाएं। जो भी उनको टेम्परेरी इंतजाम करने पड़ते हैं, जो पानी की आवश्यकता रहती है, वो भी उन्होंने सुझाव दिया कि ये घर में कोई टब है या कोई गड्ढा खोद के है, किसी भी तरीके से ये व्यवस्था की जा सकती है। तो सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमने फिर इसकी अनुमति नहीं दी, और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि सभी को ये सूचना पहुंच जाए कि अब की बार किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, छठ पूजा घाट पे पर्व मनाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी छठ पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, साथ ही लोगों से घर पर ही छठ पूजा करने की अपील की है। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर लोग तालाब किनारे पूजा करने जाते हैं तो अर्घ के दौरान तालाबों में डुबकी नहीं लगाने का आग्रह भी किया गया है। तो छठ पूजा पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है, और न सिर्फ छठ बल्कि पिछले कई महीनों से जितने भी त्योहार आए हैं सभी पर केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की गई है। ऐसे में छठ पूजा का पर्व बेहद नजदीक है, केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो छठ पूजा के इस पर्व को लेकर भी अब दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। तमाम अलग अलग दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में जो छठ पूजा पर आपने बैन लगाया वो बिल्कुल गलत है। अगर कोरोना की बात है तो आपने शराब की दुकानें खोली, आपने मार्केट खोले, आपने DTC बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ की, उस समय कोरोना की बात नहीं आई। आप अपनी प्रशासनिक क्षमता जो आपने लापरवाही बरती है उसमें, उसकी नाकामी का ठीकरा आप त्योहार पर प्रतिबंध लगाकर करते हैं,
ये बिल्कुल गलत है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तानाशाही रवैया। जब ईद का त्योहार आता है तो आप मार्केट खोल देते हैं, जब छठ का त्योहार है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और बिहार के काफी संख्या में लोग रहते हैं, छोटे छोटे जिनके मकान है वो कहाँ मनाएंगे छठ पूजा। और छठ पर्व आस्था का पर्व है, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है दिल्ली सरकार। आपसे पूर्व में तमाम फेस्टिवल्स की अनुमति सरकार ने दी है, चाहे रामलीला की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, या इवन अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद अक्षरधाम के कपाट खुलवा के वहां पे आरती का आयोजन किया है। तो यदि सरकार खुद अपने लिए आयोजन कर सकती है तो दिल्ली के लोगों के लिए आयोजन क्यों नहीं करा सकती। संक्रमण की दृष्टि से हो सकता है कि घातक साबित हो, लेकिन ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। ये व्यवस्थाएं, ये गाइडलाइन सरकारें तय करें, सरकारें कुछ ना कुछ इस तरह की एडवाइजरी जारी करें, कुछ कायदे कानून बनाएं, इसमें काम किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सीधे तरीके से जिस तरह से बैन लगा रहे, कहीं ना कहीं एक दिल्ली के जो एक बड़ा तबका, जो पूर्वांचल का, जो छठ पूजा जिसके लिए महान पर्व है, तमाम देशवासियों के लिए भी पर्व है, सो कहीं ना कहीं उनको आहत पहुंचेगा। और एक ऐसी तो छठ पूजा के पर्व को लेकर मुंबई में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, माहौल क्या कुछ है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आप भी देखिए उनकी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में मंदिर खोलने को लेकर शुरू हुई राजनीति अब छठ पूजा को लेकर सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि छठ पूजा के लिए सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब कोरोना काल में इसकी इजाजत नहीं दी है। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से दशहरा और दिवाली लोगों ने घर में मनाया, उसी तर्ज के ऊपर छठ पूजा भी मनाई जाए। अब इस बार भी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या एसओपी जारी करती है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। लोग जमा ना हो या किसी भी घाट पे, किसी भी बीच पे बड़ी संख्या में जमा ना हो, सार्वजनिक आयोजन ना हो आज इस बार। उसका कारण यह है कि अगर लोग आएंगे तो पता नहीं कौन कोरोना से संक्रमित है और संक्रमण कितना फैलेगा, किसी को पता नहीं। तो हम मुंबई के लोगों को एक नए खतरे में डालें, इससे बेहतर है कि हम पूजा अवश्य करें लेकिन अपने अपने घरों से करें। जैसे मैं खुद अपने घर पे एक कृत्रिम तालाब बनाने जा रहा हूँ और उसमें पूजा करूंगा। और मैं सभी लोगों से निवेदन यही करूंगा कि ये जिद मत करिए, हमारी आस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, हमारा विश्वास महत्वपूर्ण है, पूजा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार एक संकटकालीन परिस्थिति होती है तो थोड़ा एक कदम पीछे हटने की आदत डालनी चाहिए। पूरे मुंबई में हर जगह कहीं आपको तालाब मिलेगा छोटा सा, कभी कहीं आपको कुआं मिलेगा, कहीं चाहे तो आप अपना तालाब बना सकते हैं, कहीं स्विमिंग पूल है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, पूरे शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हो सकती हैं, तैयार की जा सकती हैं। हाँ, सरकार चाहे तो कृत्रिम तालाब बनाने की दिशा में एक पहल कर सकती है, अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, सरकार अलग अलग जगहों पर अनाउंस कर सकती है।